मातृशक्तीला स्वाभिमानाची गरज आहे आणि ती लाडली बहीण या योजनेच्या माध्यमातून भाजपा सरकारने मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे। मध्य प्रदेशात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ही योजना अंमलात आणली त्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे मी अभिनंदन करतो। या रकमेतून महिलांना फार मोठा आधार मिळत नसला तरी त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम ही योजना करीत आहे। महिलांसाठी हे फार मोठे पाऊल असल्याचे ही प्रतिक्रिया मध्य प्रदेशातील भारतीय जनता पार्टीचे ग्रामविकास व पंचायत राज आणि कामगार मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली। ते बुधवारी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगावात संत गजानन महाराज यांच्या दर्शनाकरिता आले होते। मध्य प्रदेशातील भारतीय जनता पार्टीचे ग्रामविकास व पंचायत राज आणि कामगार मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज बुधवारी संत नगरी शेगावात पोहोचून श्री संत गजानन महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। मंत्री पटेल हे अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी शेगावात श्री श्रीचे दर्शन घेतले। संत गजानन महाराजांच्या दर्शनानंतर संस्थांच्या वतीने मंत्री महोदयांचे स्वागत सत्कार करण्यात आले। मंत्री पटेल पुढे म्हणाले की आमची कुठलीही योजना फक्त निवडणुकीपुरती नसते, याचा उद्देश नागरिकांना स्वावलंबी करणे हेच असते, यामागे कुठल्याही मतांचे राजकारण नाही असेही त्यांनी सांगितले। एमसीएन न्यूज मराठी करिता रवी शेगोकार बुलढाणा। प्रयोजन तो दल का काम करने का है और आज मैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भोसावल से मैं निकला था, हमारे वरिष्ठ नेता है खड़से जी, उनसे भेंट हुई। अगर जब मैं पहली बार सांसद बना था 1989 में, तब के साथ ही स्वर्गीय बाबूराव फुंकर जी की उनकी समाधि पर गया। आज उनकी जयंती थी तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला और एकमात्र स्थान था पूज्य गजानन जी महाराज के दर्शन का। महाराष्ट्र में इतने दिन तक मैं रहा हूँ, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। सबसे आखिरी में सबसे महान आत्मा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अब उसके बाद यहाँ से अकोला जाऊँगा और फिर दो दिन बैठक करके वापस आऊँगा। सर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की जो योजना है लाडली बहन, इसकी कॉपी महाराष्ट्र सरकार ने की है, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश की योजना सक्सेस रही है और महाराष्ट्र में इसकी क्या कॉपी नहीं है? पहले तो इसको सुधारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी हो, उसका विचार है अंत्योदय को अपने साथ में खड़ा करना। हम सब जानते हैं कि मातृशक्ति को एक स्वाभिमान की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उस अर्थतंत्र से कोई बहुत बड़ा चमत्कार होता है, लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक सम्मान बढ़ता है। महाराष्ट्र ने अपने संसाधनों के मुताबिक जो रचना की है, मैं महाराष्ट्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं इसे मानता हूं कि मातृशक्ति की सफलता के लिए और ये बेहतरीन कदम है। सर, ये योजना सरकार के महाराष्ट्र सरकार के लिए तारामार बन सकती है? सरकार हमारी योजना सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होती है। हम हमेशा ये देखते हैं कि समाज में कब लोग आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होंगे और अपने पूरी सामर्थ्य के साथ समाज के हित में जुटेंगे। सिर्फ वोट का लालच नहीं होता योजना के पीछे। सर, आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्याओं का प्रमाण ज्यादा है, खासकर विदर्भ में, क्या लगता है आपको क्या पैटर्न होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि कई बार आंकड़ों में जो उतार चढ़ाव होता है तो ये चीजें हो सकती हैं। मुझे नहीं पता कि आंकड़ों में कितनी समानता है कितना अंतर है, लेकिन महाराष्ट्र की कृषि उन्नत कृषि है और आज से नहीं है, वर्षों से है। कृषि के पैटर्न पर बहुत चर्चाएं चलती रही हैं देश के भीतर, संसद में सर्वाधिक महाराष्ट्र की चर्चा होती रही है, लेकिन अभी जब सरकार बनी है तब तक भी परिस्थिति नहीं है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब बहुत भीषण परिस्थितियां थी। तो मुझे लगता है कि हम एक सेगमेंट को इस आधार पर तुलना न करें तो अच्छा होगा।